मध्य प्रदेश में जल्द ही युवक कांग्रेस प्रदेश भर में शिवराज सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएगी। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पूरे देश में भाजपा की सरकारें तानाशाही लागू कर रही हैं। लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। लोकसभा में सबसे मुखर आवाज राहुल गांधी की थी, जो मोदी और अडानी के रिश्तों पर बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी साजिश के तहत लोकसभा से बेदखल कर दिया गया। विक्रांत भूरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी बेलगाम है और तानाशाही को बढ़ावा दे रही है। जल्द ही प्रदेश में यूथ कांग्रेस एक विशाल आंदोलन चलाएगी। देखिए, ये जो लड़ाई है बहुत बड़ी लड़ाई है, मेरे या पार्टी से बहुत बड़ी लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और इसमें हमने कमर कस ली है, कसम खा ली है कि जब तक लोकतंत्र पर इस तरह से भाजपा की सरकार प्रहार करते रहेगी, हम चुप बैठने वाले नहीं है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए इसकी शुरुआत हमने कर दी है। जबलपुर में एक बहुत बड़ी मशाल रैली के माध्यम से इसकी शुरुआत हमने करी थी और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी भी उपस्थित होते हैं। अब इस तरह के लगातार जमीन पर मशाल जुलूस हो, चक्का जाम हो, रेल रोका आंदोलन हो, और अगर इसके लिए जेल भरो आंदोलन भी हमको करना पड़ेगा तो हम करेंगे, पर पीछे हटने वाले अब हम नहीं हैं। लोकसभा में एक ही आवाज बहुत सबसे ज्यादा बुलंद थी जो इस सरकार के खिलाफ थी, वो राहुल गांधी जी की थी, और उनको झूठे आरोपों में फंसाकर उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया ताकि वो मोदी अडानी जी पर बोल नहीं पाए किसी भी तरह से। और उसके बाद उनको किसी भी तरह से, आज तक कभी हमने इस तरह का नहीं देखा है कि जिसके परिवार ने इस देश के लिए शहादत दी हो, चाहे उनकी दादी जी हो, चाहे उनके पिताजी हो, इस देश की इस माटी में उनका खून है, उनका भी घर छीनने के जैसा इतना गलत काम उन्होंने करा है। तो और लगातार जितने भी पत्रकार हैं, अगर कोई बात रखने की कोशिश करता है या लोकतंत्र की आवाज बुलंद करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ भी ये कार्रवाई करते हैं, या तो उसको जेल भेज दिया जाता है या फिर उसके घर ईडी भेज दी जाती है या उसके घर सीबीआई भेज दी जाती है। तो इस देश में अभी पूरी तरह से तानाशाही चल रही है और किसी को भी सच बोलने का अधिकार नहीं है।